क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और मैं आपको आज ऐसे गेट से मिलाने वाला हूँ। ठीक है, ये नदी का बहाव बहुत कम हो चुका है। पहाड़ों के ऊपर पूरा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पहाड़ों के बादल चालू है। पहाड़ बहुत आधे आधे दिख रहे हैं मतलब। ठीक है, सुबह सुबह नदी के किनारे मतलब टहलना अलग ही बात। और यहाँ पर चाय मिल जाए ना, कम से कम चाय मिल जाए तो मतलब अलग ही मज़ा है यार। दुनिया के ऐसे मज़े कहीं नहीं मिलेंगे, फिर मिल सकते हैं पर नेचुरल इन्जॉय। ठीक है, तो मैं बहुत आगे चला गया हूँ, वापस जाना पड़ेगा। गिलास 3 कटिंग चाय लेके आओ। जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ ही गया। और इस बारिश के मौसम में पहली बार हमारे गांव के पास नदी आई है, क्योंकि अगले साल बहुत कम आई थी और इस बार थोड़ी अच्छी आई है। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं आई, ठीक ठाक आई है। तो मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। नदी देखने के लिए आया सुबह सुबह। ये नदी रात को 3 बजे आई थी और एक बार सभी को राहत मिल गई है, क्योंकि मतलब जब पहाड़ों के ऊपर बारिश आती है ना तभी ये नदी आती है। ठीक है ना। और एक जो मोहन था दोस्त वो बाहर चला गया है। पहाड़ों के ऊपर पूरा धुंधला मतलब पूरे बादल से छाए हुए देख लो। तो देखो इन पहाड़ों के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम, बारिश जैसे ही ख़त्म होने को आएगी तब हम इन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे घूमने के लिए। मतलब एक मंदिर है ऊपर, तो वहाँ मतलब पूरा घूमने जैसा ही है पहाड़ों के ऊपर पूरा, तो वहाँ जाएंगे। हेट यहाँ तक आई थी और धीरे धीरे कम हो चुकी है, इधर तक आ चुकी है और धीरे धीरे फिर वापस कम हो जाएगी। अगर पहाड़ों में बारिश होती है तो ये बहाव बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ता, धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस नदी का नाम है सुकड़ी नदी और ऐसे भी सूखती रहती है, फटाफट सूख जाती है। तो भी 1 घंटे की लगातार बारिश होने के बाद नदी आखिर में आ ही गई। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। वो जैसे बारिश रुक गई है अभी तो, और अभी लोग अब सब देखने जा रहे हैं, अभी देखने के लिए जा रहे हैं नदी को। और शाम के 7 बजे थोड़ा अंधेरा हो चुका है। तो देखो लोग की भरमार है इधर, तो सब गड्ढे भर गए पानी के। ओ हो जाएगा, ओ फुल नदी आ गई, आज तो मज़ा आएगा। फुल मतलब रपट के ऊपर से जा रहा है पानी, इसका मतलब फुल है नदी। पहले हम नीचे से देख के आते फिर ऊपर से आएंगे देखने के लिए। ठीक है, देख लो नदी फुल आ गई है। तो देखो मतलब सड़क था वो पूरा ढक चुका है, यहाँ से कोई आर पार नहीं आ सकते। तो उधर लोग खड़े हैं तो वो इधर नहीं आ सकते और हम उधर नहीं जा सकते। तो ये देख लो पानी का बहाव बहुत तेज है। और फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से बताएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब थोड़ा अंदर जाते और मैं चड्डे में आ गया हूँ, कोई आर पार नहीं हो सकता। पानी देखो, इस नदी का नाम है सुकड़ी नदी। ठीक है, थोड़ा इधर आएंगे हम, थोड़ा अंदर जाएंगे थोड़ा, क्योंकि पानी का विश्वास तो नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इधर ही खड़े रहेंगे। देख लो पानी का पानी, और ये पहाड़ है। ये नदी का बहाव जब थोड़ा कम होगा ना तब आर पार हो सकते हैं लोग। पहले नदी में तो पूरी गंदगी साफ होगी और दूसरी बार आएगी तब पूरा ताज़ा पानी आएगा। अभी वहाँ पर 2 लोग खड़े हैं ना, तो उधर हम जाएंगे, अभी इधर जाएंगे और उधर से अब नदी का नज़ारा आपको बताएंगे। और इसके बीच में गए ना तो जो बीच में जाएगा वो बह के ही जाएगा, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। और इधर बहुत खड्डा है और इधर तो बहुत खड्डा है, वो तो लोग फंसे हुए हैं। तो भी चलते हैं ऊपर। यहाँ बीच में पिलर बने हुए, ये सब पिलर है ये, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर देख लो। शांति मिली और ये पानी का आवाज़ आवाज़ आप सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी का आवाज़। ये आपको ऊपर से बताता हूँ, और ऊपर से मतलब जोरदार नदी है। एक साल बाद आई है, इस साल ऐसी नहीं आई थी, और उस साल आई थी अच्छी नदी, और फिर एक साल बाद वापस आ गई नदी। ये सब पहाड़ों से पानी आता है, ये सिरोज जिले के बारी घाटे से पूरा पानी आता है, और ये गौतम जी से होकर आता पूरा। ये देख लो, ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, पर ये पत्थर नहीं है, जाग है। भाव बहुत तेज है। गेट आधे खुले हुए हैं, पानी आ रहा है, ये पूरा पानी।